हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में रजनीश किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम बिस्कुट। ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी यूनिक भी है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बट इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। मैं जिस जिसने मेरे घर में खाई उस सब ने तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हमने आम लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह धो दिया है। फिर हमने इसका ऊपर का पार्ट काट के हम इसके अंदर से गुठली निकालेंगे चाकू की हेल्प से। फिर हमने कढ़ाई लेनी है, उसमें हम 2 कप दूध डालेंगे। तो दूध को फ्रेंड्स हमने कुछ 15 से 20 मिनट के लिए काढ़ना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक ना हो जाए। तो अब हमने इसमें मिल्क पाउडर डालना है। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल के पहले हम इसे कटोरी में मिक्स कर लेंगे, जिससे दूध में जाके इसके लम्प्स ना बने। तब हमने उसे दूध में भी डाल दिया है और उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम यूज़ की है गैस की। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 स्पून। फिर हमने उसको दूध में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे 2 नॉर्मल साइज स्पून के। यहाँ पे मेरा बड़ा चम्मच था काफ़ी, तो मैंने 1 स्पून डाला है। वैसे आप नॉर्मल साइज़ के 2 चम्मच यूज़ करें, या आप अपनी टेस्ट के हिसाब से देख लें मीठा। फिर हमने इसमें 1 ड्रॉप केवड़ा वाटर डालना है। अब हमने दूध को कड़ने देना है कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप जैसे ही 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे कि दूध की कंसिस्टेंसी अब एकदम सही होगी। फिर हमने दूध को ठंडा करके फिर हम इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे कुछ 2 से 3 चम्मच। तो अब ये तैयार है आम के अंदर डालने के लिए। तो हमने जो आम की गुठली निकाल के रखी थी, हम उसमें अब ये दूध डाल देंगे। तो अब हमने अच्छी तरह आम भर दिया है इससे। तो हमने जो आम का मुंह था काटा हुआ, उससे हम ढक के इसे फ्रिज में रख देंगे कुछ 8 से 9 घंटे के लिए। तब हम 8 से 9 घंटे के बाद देखेंगे तो आम हमारा अच्छी तरह जम चुका होगा। जो अंदर का दूध भी हमने डाला है वो भी अच्छी तरह जम चुका है। तो अब हम इसे पील ऑफ करेंगे पीलर की हेल्प से। पीलर की हेल्प से आप इसे अच्छा छील दें। प्रेफर करें कि आप पीलर यूज़ करें, चाकू ना यूज़ करें। हमने इसे अच्छी तरह पील ऑफ कर देना है। तो अब हम इसे चाकू की हेल्प से काटेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हमारी ये रेके तैयार हो चुकी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।